चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। गर्मी के बढ़ते सितम की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है, लेकिन ये सब तो बस ट्रेलर है क्योंकि पूरी फिल्म तो अब शुरू होने वाली है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने आने वाले दिनों में तेज गर्मी और लू को लेकर लोगों को सावधान किया है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में लू, जिसे हीट वेव कहते हैं, उसके थपेड़े जीना मुश्किल करने वाली है। ऐसे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या होती है हीट वेव और कैसे आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिशा बिजगौड़ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। हीट वेव एक मौसमी घटना है जिसमें बहुत ज्यादा तापमान होता है, जिसके संपर्क में आने पर मानव शरीर के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है। हीट वेव की परिभाषा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है और इसके लिए एक खास तापमान सीमा तय की जाती है। कुछ देशों में हीट इंडेक्स को हीट वेव मापने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसमें तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों के स्तरों को ध्यान में रखा जाता है। भारत में लू की घोषणा तब की जाती है जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या फिर उससे ज्यादा हो जाता है। ये तापमान सीमाएं उन स्थितियों की पहचान करने के लिए तय की जाती है जो संभावित रूप से गर्मी से संबंधित बीमारियों और मौत का कारण बन सकती है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से किसी बीमारी का शिकार कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में। हीट वेव के बीच सेहतमंद रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप लू के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। आइए जानते हैं गर्मियों में लू से कैसे बच सकते हैं। जितना संभव हो तेज धूप में बाहर जाने से बचें, खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच, जब सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तेज होती हैं। गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहें। भले ही आपको प्यास न लगी हो, लेकिन जितनी बार संभव हो पानी जरूर पिएं। धूप में बाहर जाते समय, खासकर गर्मी के दिनों में, हल्के रंग के ढीले और हवादार सूती कपड़े पहनें। सुरक्षात्मक चश्मे, छाता, टोपी, जूते या चप्पल का इस्तेमाल करें। ज्यादा तापमान के दौरान बाहर हैवी एक्सरसाइज में शामिल होने से बचें तो बेहतर होगा, खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमेशा अपने साथ पानी रखें। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से बचें, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। हाई प्रोटीन फूड से बचें और बासी भोजन खाने से परहेज करें। अगर बाहर काम करना जरूरी है तो ठंडक पाने के लिए टोपी या छाते का उपयोग करने और अपने सिर, गर्दन, चेहरे और अन्य हिस्सों को धूप से बचाने के लिए नम कपड़े का उपयोग करें। पार्क किए गए वाहनों में बच्चे या पालतू जानवरों को कभी भी अकेला ना छोड़ें। अगर आपको बीमारी या बेहोशी का कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आप अपना ख्याल रखेंगे।